नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं एनी स्टूडियो। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। अंकित शर्मा की देखे पहली खबर। जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर समाज सेवी सलमान खान धरने पर बैठे हैं। उनकी सीएम योगी और मोदी सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर वो लखनऊ में विधानसभा और दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देंगे। बता दें कि समाज सेवी सलमान समाज के हित के लिए पहले भी कई मुद्दों को उठाते हुए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। जो गाय है जो रोड पे घूम रही है, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रही हैं, गौशालाओं में गाय मर रही हैं, और राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय को, उसी को लेकर मैंने ज्ञापन दिया था। तो आज उसी को लेकर मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, प्रशासन को जवाबी का काम कर रहा हूं। अगली खबर की ओर। गोंडा में ओवरब्रिज निर्माण रुका हुआ है। सड़क पर सुरक्षा की गारंटी नहीं है, हर वक्त दुर्घटना की संभावना रहती है, जिससे दुकानदारों में आक्रोश है। भारी वाहन प्रवेश वर्जित है, बावजूद इसके प्राइवेट गार्ड पैसा लेकर भारी वाहन प्रवेश कराते हैं। एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, एक तरफ का रास्ता जबरदस्ती बंद है, एक तरफ का रास्ता जबरदस्ती खुला हुआ है। अप और डाउन दोनों गाड़ियां इधर से जाती हैं। इतनी समस्या है कि जिसका कोई समाधान सरकार निकाल नहीं रही, ना स्थानीय प्रशासन कोई चीज देख रहा है। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा दिए गए आदेश में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और आबकारी निरीक्षक की टीम द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 150 किलोग्राम महुआ लहन मौके पर नष्ट किया गया। इस दौरान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए आलोक तिवारी की। पुलिस ने एक साल से गुमशुदा वृद्ध को ढूंढा। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल रात्रि गश्त करने के निर्देश दिए थे। भ्रमण के दौरान एक व्यक्ति घूमता दिखाई पड़ा। पूछताछ करने पर पता चला कि वो एक साल पहले गुमशुदा हो गया था। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के नाम अंकित यादव और सूरज बताया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ था। तमंचे का प्रदर्शन करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने आर्म्ड एक्ट में गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेजा। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दर्जन बंदरों की मौत हो गई। बंदरों की सामूहिक मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खेतों में पड़े मिले बंदरों के शव, पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजली के तार चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवकों से रोटावेटर, बिजली के तार और ट्रैक्टर बरामद हुए। उसकी निशादेही पे जो चोरी का माल था, एक रोटावेटर और 14.5 मीटर तार, और जिस ट्रैक्टर से उसको लाद के ले गए थे, वो ट्रैक्टर वो सारी चीज़ें बरामद हुई है। और दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए रेहान अंसारी की। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेज में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया अवकाश घोषित। 26 अगस्त और 28 अगस्त को सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। शैक्षणिक संस्थान में कार्य करने वाले लोग और बच्चों के लिए सुविधा मिली, इसको दृष्टिगत रखते हुए 26 अगस्त दिन शनिवार और 28 अगस्त दिन सोमवार को सभी शैक्षणिक संस्थान के बंद। बंदर के हमले से 3री मंजिल से गिरकर एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखा। क्योंकि जो है हमारे पास फोन गया था, तो हम आए कि वो बंदर के डर से मारे वो नीचे गिर गया, तो हम तुरंत आए, फिर यहाँ पे एडमिट कराया। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के रामगंगा नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए। बच्चों की तलाश में रेस्क्यू चलाकर एक को बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चों की अभी भी तलाशी जारी है। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया, रेस्क्यू जारी है। 2 12-12 साल का, 14 साल का। क्या करने आए थे? अब ये तो साहब हम ही नहीं होते, क्या करने आए थे यहाँ पे? अचानक वाली बात है, यहाँ पे आ गए। घर से तो एक भंडारे में जा रहे हैं हम तो। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शव कई दिन पुराना है और उसके आसपास से काफी दुर्गंध भी आ रही है। मौके पर पहुंचे सीओ और एसपी ने शव को कब्जे में लेकर शव की पहचान करने की कोशिश में जुटी। ये अभी थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सुबह एक शव मिलने की सूचना थी। ये सोनकपुर पुल है, इसके साइड में जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं उस पर एक शव था, सड़ी गली अवस्था में। ये पुराना है, कम से कम 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये किसी वजह से साइड में ये डिसबैलेंस होकर गिरा है और चोट लगने से
वहीं फिर पड़ा रहा है, क्योंकि इसने ऐसा भी लग रहा है कि वहाँ से उठने का और ऊपर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन चढ़ नहीं पाया ये, तो अभी इसकी शिनाख्त की जा रही है। अमित शर्मा के देखिए अगली खबर मथुरा से। किसानों की तमाम मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन चंदूनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रतन सिंह पहलवान के नेतृत्व में किसानों ने स्थानीय टैंक चौराहे से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों की बैरिकेडिंग खड़ी करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन विद्युत चोरी और राजस्व वसूली के नाम पर किसानों और दुकानदारों का उत्पीड़न उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद किसानों और दुकानदारों ने उसे बंद करने की मांग की। इसके अलावा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 अप्रैल से मुफ्त बिजली की घोषणा की थी, जो फाइलों में ही दबकर रह गई। गौवंश जंगली सुअरों ने किसानों का जीना मुश्किल कर रखा है। अपनी ऐसी कई मांगों और समस्याओं को लेकर किसानों और दुकानदारों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की तरफ से हमें बताया गया है कि जो भी किसानों की जन समस्याएं इनका निस्तारण जल्द ही 2 हफ्ते के भीतर हम करेंगे, और मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा यदि 2 हफ्ते के भीतर यदि हमारी किसान समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो फिर से इससे भी बड़ा आंदोलन इसी जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। बुलंदशहर में 45 साल के व्यक्ति का पेड़ पर लटका हुआ मिला शव। अपनी बेटी के घर रहने आए पिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर से देखिए अगली खबर। बुलंदशहर में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई दिन पुराना बताया जा रहा है शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय वृंदावन दौरा। वृंदावन के केशव धाम में 23 और 24 अगस्त को यूपी उत्तराखंड की क्षेत्रीय टीम के साथ करेंगे बैठक। संगठन के विस्तार और लव जिहाद के मुद्दे से निपटने पर होगा मंथन। बता दे, रणनीति राष्ट्र निर्माण, मणिपुर प्रकरण, धर्म जागरण, 2024 में भाजपा की केंद्रीय सत्ता की वापसी, संघ के 100 साल 2025 में पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने की कार्ययोजना की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। रविन्द्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर से। बिजनौर में श्री कृष्ण सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार पांडे ने ईदगाह को लेकर की प्रेस वार्ता। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। गोंडा से। SP अंकित मित्तल के निर्देशन में पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए आलोक तिवारी की। सांड के हमले में किसान की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर में मचा कोहराम। रोहिंग्या मुसलमानों के संदेह में पुलिस ने मलिन बस्तियों में चलाया विशेष अभियान। पुलिस के साथ जांच के दौरान LIU टीम भी रही मौजूद। जांच में असम के रहने वाले निकले सभी प्रवासी, नहीं मिला कोई संदिग्ध। DM SSP के आदेश पर चलाई अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना हुई, जहां कंधे पर बेटी को ले जा रहे पिता को बदमाशों ने मारी गोली। घटना की फुटेज हुई वायरल। आरोपी हुआ गिरफ्तार। पीयूष गुप्ता के देखिए अगली खबर। नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती राय, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह और बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष कमाल अहमद ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री से CBI जांच और साथी परिवार को डराने, धमकाने और दबाव बनाने के मामले को लेकर सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ड्राई फ्रूट्स व्यापारी के घर में नाबालिग का शव मिला था। नाबालिग की हत्या के बाद मामला रेप और हत्या का बताया जा रहा था। इस मामले को लेकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत रेप और हत्या के मामले में 8 पर मुकदमा दर्ज कर व्यापारी के 2 बेटे समेत 1 नौकर को जेल भेजा। इस मामले में परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और CBI की जांच चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजनीति और विपक्षी प्रबल होने के कारण रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा रही है। ब्रजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद से। पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। 6 चोरी की बाइक बरामद की। 1 आरोपी अभी भी फरार है। देखिए, SHO शिकोहाबाद की टीम ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनकी पोजीशन से 6 बाइकें बरामद हुई। इसमें जो राजेश है वो मास्टरमाइंड है। राजेश, विशाल और ये विक्रम, ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। ये जसराना के रहने वाले हैं। इन गैंग में और भी 3-4 लोग हैं। एक शौर्या है जो मौके पर था, लेकिन जैसे हमारी टीम ने उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया वहाँ से निकल गया। बाकी काफ़ी खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिला है। बाकी उसमें देवेंद्र हैं, भोला हैं, ये बाकी लोगों के नाम आए हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो इस गैंग के अन्य सदस्य हैं उसको भी हम जल्दी पकड़ें। अभी हमारी टीम इस गैंग पे और भी काम करेगी और भी बाइकें बरामद होने के चांसेस हैं। अमित शर्मा के देखिए अगली खबर। मथुरा में सपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ब्रज की 12 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए।
इस दौरान सपा के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि देश के मौजूदा हालात से हर कोई परेशान है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, सरकार की मानसिकता आरक्षण खत्म करने की है, सरकार ने नौकरी देना बंद कर दिया है, आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है जिसमें ना तो आरक्षण है और ना ही नौकरी की कोई गारंटी है। इसके अलावा देश में हर दिन गरीबों की संख्या बढ़ रही है, सरकार के जो काम होते हैं वो काम नहीं करते, इनका काम सिर्फ सत्ता में बने रहना है, फिर चाहे वो देश बर्बाद करके ही क्यों ना हो। घबरा गई है कि इस तरह की अफवाहें फैलाएगी, किसी तरह का नहीं, एकदम सही गठबंधन है। अब पता नहीं बहन जी से बात किसी को नहीं। तो फैल ताहा की देखिए अगली खबर। हमीरपुर में गड्ढे में डूबकर एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा 6 फीट गहरा गड्ढा करवाया गया था और बगैर किसी इंतजाम के खुला छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी प्रधान और सचिव ने ध्यान नहीं दिया जिससे ये हादसा हुआ। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। वृंदावन में चंद्रयान अभियान 3 के अंतर्गत पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान साबित होगा और भारत विश्व में पहला स्थान प्राप्त करेगा। इस मौके पर संरक्षक आचार्य बद्रीश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के साथ पत्रकार मौजूद रहे। हिंदुस्तान हमारा हमारे भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित होने जा रहा है, ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से, अथक प्रयास से और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में यह कार्य जो हो रहा है, ये बहुत ही विशाल कार्य है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो संपूर्ण विश्व में हमारा देश पहले स्थान पर हो जाएगा। आज तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान स्थापित नहीं कर सका है। बुलंदशहर में एक कैदी की नमाज पढ़ते समय हार्ट अटैक से हुई मौत। पत्नी की हत्या के मामले में बंद था कैदी। नमाज पढ़ते में कहां पर? बुलंदशहर जेल में। कितने महीने हुए थे अभी उन्हें जेल में? तीसरा महीना। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।